लोकसभा नजदीक है और ऐसे में सारी पार्टियों ने कमर कस ली है। बात करें बीजेपी की या कांग्रेस की, सभी पार्टियां मंथन कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। और इसी बीच कांग्रेस के मंत्रियों की भी एक बैठक हुई, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। मंत्रियों के साथ जहां तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। उसका ज्वाइंट मैकेनिज्म ऐसे चले जैसे आपने कल देखा इंडिया गठबंधन की जोरदार अपील, और उस अपील को तो ग्राउंड पर लेना है। इसकी कल शुरुआत है, तो हमारी कोशिश है कि पहले दिन से अच्छा एटमॉस्फेयर बने, सबको साथ लेकर चलें और सीटें जीत। ठाकुर जी भी को लेकर भी कुछ फिर से सोच रहे हैं, कोई ऐसा कोई किसी सीट पर कोई चर्चा नहीं। सर ऐसा क्या पार्टी का वो तो पार्टी का प्रायोरिटी आता है, फीडबैक आता है तो रिव्यू भी होता है, बट अभी एज ऑन टूडे किसी सीट पर भी हमारा कोई रिविजन नहीं। दीपिका पांडे से बात सारे लोग हमारे तो पीछे हैं, समीकरण भी देखना पड़ता है और भी कई सारी चीजें देखनी होती है, तो इसलिए जो पार्टी ने फैसले लिए हैं वो सारे वर्कर फॉलो करें। क्या बातें हुई है राजेश? जो समन्वय बना करके चुनाव प्रचार में लगना है, कल नॉमिनेशन है हमारे उम्मीदवार कालीचरण मुंडा जी का, हमारे उम्मीदवार जोवा मांझी जी का, तो कैसे कोऑर्डिनेट करके हम लोग सभी लोग उसमें शामिल हो पाए, उस संदर्भ में चर्चा हो रही है। जो ममता भुइयां जी का नॉमिनेशन है उसमें कैसे हम शामिल हो पाए, और कैसे जो सुखदेव भगत जी का 25 तारीख को नॉमिनेशन है उसमें कैसे सभी दलों के नेता मिल बैठ करके तय करके और आगे बढ़े, ताकि जो कल उलगुलान से संदेश गया है पूरे झारखंड में मजबूती का, तो हम ये कह सकते हैं कि उस मजबूती को बरकरार रखने के लिए जिस तरह से हमने उलगुलान रैली में सबने एक मंच साझा किया, उसी तरह से हर मंच को साझा करते हुए हम जीत के जीत को कैसे सुनिश्चित करें उस पर चर्चा। गोड्डा को भी है क्या, उस पर भी चर्चा हुई? देखिए उस पर जब चर्चा हो गई तभी तो ये परिणाम कल सामने में आया है, तो जब चर्चा होती है तो उसके परिणाम भी सामने होते हैं। उस चर्चा हुई, परिणाम सामने है। अब आपने या किसी चैनल में मैंने देखा है कि जो दीपिका पांडे जी ने जो बातें कही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और भी अच्छा होगा, तो उसमें आप किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पुरानी बातें याद दूर देकर कहा था कि हम बीजेपी नहीं है, हमारे तो यहाँ वापस लेना नहीं आता है, आपने तो महिलाओं को जो है बेइज्जत किया। बिल्कुल ठीक कहा है। मैं ये भी कहता आया हूँ कि मीडिया का हम बहुत सम्मान करते हैं, और मीडिया के साथियों ने जिस तरह से हर चीज को दिखाने का प्रयास किया उस पर कई बार आला कमान उसको संजीदगी से लेता है, ऐसा लगता है कि जो आप दिखा रहे हैं वो सच दिखा रहे हैं, तो उसमें कई बार आपका भी मान सम्मान रखना पड़ता है। अगर हमारा रोल है थोड़ा थोड़ा, उनका रोल है तो थोड़ा आपका भी रोल है। चतरा में जो कर हुआ है, चतरा में भी कुछ इस तरह चर्चा कीजिए अभी आप लोग, और थोड़ा अभी उसमें कहीं कोई बात नहीं है, चतरा और सारी चीजें हो गई है। अब जब भी कोई नेतृत्व का फैसला होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है, और वो सब जब सारी चीजें मिल जाएंगी तो फैसला आपको सुनाया। कल कार्रवाई क्या पार्टी कार्यकर्ताओं पे होगी? अब पहले वो तो आने तो दीजिए सामने, अभी तो सिर्फ आप लोगों का देखा है, पहले हमारे संज्ञान में जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो लाने दीजिए, सभी जगह का मैटर हम ही देखेंगे, तो फिर दिक्कत है, जिला का मसला है, जिला के लोग बताएंगे। बिल्कुल है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है? नहीं, हमारे जितने प्रत्याशी गठबंधन के लड़ेंगे तो जो भी नामांकन में है उसमें जाना भी है,
और सभी लोग मिलके एक दूसरे को मदद भी करना है, ज्यादा से ज्यादा सीट जीतें, सारे की सरकार बातचीत करें। एक प्रत्याशी का आप लोगों ने नाम सूची पर डाला, उसके बाद वापस भी लिया। दीपिका पांडे सिंह को आप लोगों ने पहले प्रत्याशी बनाया, अब उन्हें हटाया, तो ये क्या कांग्रेस क्या पहले सोची नहीं थी ऐसा कि जिसको उतारना पहले ही उतार दिया जाए, वापस नाम ना लिया जाए? अपने भाजपा वाले लोग से पूछा था, दुमका में मुझे सोरेन जी को पहले दिया था टिकट, के बाद में सीधा सोरेन को दे दिया। लेकिन कांग्रेस ने उनसे किया था, बीजेपी जो करेगी कांग्रेस जो करेगी, वो बात नहीं है। लेकिन बात है कि मीडिया केवल हम लोगों पर आरोप प्रत्यारोप करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सदाचार में मुक्त कर देती है। हमको कहती है आप कदाचारी हैं, गंगा जल में। हाँ, लेकिन कांग्रेस भी उस डिसीजन का कहीं ना कहीं विरोध की थी ना, कि आखिर नाम क्यों वापस लिया गया सुनील सोरेन का। अब आप लोग भी बिल्कुल वैसा ही किए हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर? कांग्रेस बीजेपी में बहुत अंतर है। हम संविधान की रक्षा वाले लोग हैं, वो संविधान को कमजोर करने वाले लोग हैं। दीपिका पांडे का टिकट कटने से कितना नुकसान कांग्रेस को? कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है, दीपिका पांडे हमारी बहन है और पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता है, माननीय विधायक भी है और उनका बड़ा लंबा राजनीतिक भविष्य भी है। इसलिए अभी तो तब आप ये भी पूछेंगे, आपका भी नाम आ रहा था, आपका भी यही सवाल था। तो देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है उसी का अनुपालन हम लोग करते हैं। इसलिए जो अभी हमारी पार्टी की प्रत्याशी बनी है, हम उसका समर्थन करेंगे। बना जी, ऐसे कहाँ आपका नाम जो है पिछड़ गया? कहाँ पिछड़ गया भाई, कहाँ चूक हो गया? अरे परिवार का एक आदमी को ना लड़ना था, तो एक आदमी लड़ रहा है, हम लोग मिलके साथ देंगे। बहुत तेजी से आपका नाम आगे गया, अब आया तो फिर आएगा भविष्य में। तो मैं जवान हूँ अभी, यहाँ तो 80-80 साल के लोग भी लड़ रहे हैं। अभी हमारा तो कितना, अभी तो 46 पास है, तो क्या इतना दिक्कत है। कैसे आपने सुना कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया है, तमाम मुद्दों पर सभी ने अपनी बातें रखी। और देखिए, चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियों ने कहीं ना कहीं तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी पार्टियों की बैठकें चल रही हैं, चाहे वो बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या फिर जेएमएम की बात कर ले, सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक पर बैठक कर रही है और बड़े स्तर पर बैठक हो रहा है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करें। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के तमाम, हालांकि वहां पे प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी मौजूद रहे और उनके और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की आवाज़ पर यह बैठक चली, जहाँ तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ने अपनी बातें रखी और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सहमति भी बनी है कई मुद्दों पर। और इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन, देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और ऐसे में कांग्रेस ने भी कमर कसी और बैठक की है। क्या कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है बैठक में? देखिए, बैठक उलगुलान महारैली की भी एक समीक्षात्मक बैठक थी, जिस बैठक में जो है अगर जेएमएम के तरफ से नेता मंत्री जो है वो आए थे, सत्यानंद भोक्ता राजद के हैं वो थे, मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री है जेएमएम कोटे से वो मौजूद थे और बाकी चारों जो मंत्री है कांग्रेस कोटे से, साथ में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, इन दोनों की उपस्थिति में यह बैठक हुई। और बैठक में गुलगुलान महारैली को की भी एक समीक्षा की गई, साथ ही साथ क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर अब जो नामांकन प्रक्रिया है वो तेज हो गई है, वहीं कल जोबा मांझी की नामांकन है, कालीचरण मुंडा का नामांकन, उसके बाद पलामू से जो ममता भुइयां है उनका नामांकन है और सुखदेव भगत 25 तारीख को नामांकन करेंगे। तो उनके नामांकन में इंडिया गठबंधन जिस तरीके से कल गुलगुलान महारैली में अपनी एकजुटता दिखाई, वैसी एकजुटता कैसे इनके रैलियों में, इनके जो नामांकन होंगे उसमें कैसे एकजुटता दिखाएंगे और सभी प्रत्याशियों के नामांकन में इंडिया गठबंधन की मौजूदगी कैसे हो, इसको लेकर भी यह बैठक थी। साथ ही साथ कांग्रेस में जो बातें चल रही थी, टिकट में बदलाव किया गया, इसको लेकर कांग्रेस अलग से एक बैठक की, जो बैठक अभी भी चल रही है कि आने वाले दिनों में सात लोकसभा सीटों पर जो लोग कांग्रेस चुनाव लड़ रहे उन सातों लोकसभा सीटों पर कैसे कांग्रेस जो है बेहतर प्रदर्शन कर सके, बेहतर रिजल्ट अपने आलाकमान को दे सके, इसकी भी एक तैयारी जो है इस वक्त चल रही है। इस बैठक में कांग्रेस के चारों मंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, ये छह लोग उपस्थित हैं। इस बैठक में कांग्रेस को लेकर आगामी जो कार्यक्रम होंगे उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही, साथ ही साथ
कौन से मंत्री और जो नेता है वो किनके किनके नामांकन में मौजूद रहेंगे, इसकी भी बैठक की रूपरेखा तैयार की जा रही। साथ ही साथ कल जिस तरीके से चतरा लोकसभा सीट को लेकर जो है उलगुलान महारैली में ही जो आपस में जो कार्यकर्ता भिड़े थे उसको लेकर भी जो कांग्रेस है वो अपनी समीक्षा कर रही कि कैसे, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन की मौजूदगी में जहां देश भर के तमाम जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस का इस तरह से अंतरकलह बाहर आना कहीं ना कहीं पूरे देश भर में कांग्रेस के लिए जो है झारखंड से अच्छा मैसेज जो है वो नहीं गया, इसको लेकर भी एक जो है वो जो बैठक है वो की जा रही है। जी अंकिता, हाँ देखिए चित्रंजन, हमने राजेश ठाकुर का भी बयान सुना। देखिए एक और मुद्दा है जो कि कांग्रेस में काफी गरमाया हुआ है झारखंड की राजनीति में, वो है दीपिका पांडे सिंह को लेकर। दीपिका पांडे सिंह से कह सकते हैं टिकट छीनकर प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया गोड्डा से। अब देखिए अब कांग्रेस ने पहले अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जब दुमका से उम्मीदवार चेंज किया था और सीता सोरेन का नाम आगे लाया था तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, तो ऐसे में अब कांग्रेस भी वही कर रही है, कांग्रेस से भी वही सामने आया। तो देखिए अगर बात करें चतरा से तो कल भी हमने देखा उलगुलान महारैली में कि चतरा से जो उम्मीदवार केंद्र पार्टी है उनका विरोध किया गया। तो धनबाद की बात करें तो धनबाद में अनुपमा सिंह का भी विरोध हो रहा है, तो कांग्रेस का जब जिसका भी विरोध होगा तो क्या उनका नाम चेंज कर देगी, क्या ऐसा लग रहा है? देखिए अंकिता, इस सवाल के जो जवाब है वो अलग अलग जवाब जो है वो मिले। गुलाम अहमद ने जो प्रदेश के प्रभारी है जब उनसे यह सवाल किया गया कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि दीपिका सिंह पांडे का जो है टिकट दे के फिर से वापस ले लिया गया और प्रदीप यादव को जो है प्रत्याशी बनाया गया, इस पर उन्होंने कहा कि आलाकमान बहुत सारी चीजों पर देखती है, जो कास्ट फैक्टर है उस पर भी जो पार्टी आलाकमान की नजर पड़ी जिसके कारण जो है वो बदले गए। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष इस पर सवाल किए गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस तरीके से विरोध हो रहा था, विरोध की बातें मीडिया में लगातार चल रही है, इसका मतलब साफ तौर पे प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया पर इन सवाल के जवाबों पर मीडिया पर ही थोप दिया कि जिस तरीके से गुड्डा के क्षेत्र में दीपिका सिंह पांडे का विरोध हो रहा था। साथ ही साथ मीडिया में लगातार एक खबर चल रही थी जिसके बाद पार्टी आला कमान ने यह निर्णय लिया। लेकिन जब वही सवाल चतरा को लेकर पूछा गया तो बोला तो अध्यक्ष की तरफ से जो जवाब आए कि देखिए अभी चतरा को लेकर ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई है, पार्टी आला कमान ने सब चीज सोच विचार करके ही प्रत्याशियों की सूची जो जारी की। तो क्या दीपिका सिंह पांडे का जब सूची जारी हो रहा था, नाम की जब घोषणा हो रही थी, तब पार्टी ने सभी पहलुओं पर नहीं सोची थी? क्या कास्ट फैक्टर जो है उस समय पार्टी आला कमान के ध्यान पे नहीं था, या फिर ऐसी क्या वजह थी जिसको लेकर जो है वो प्रत्याशी बदलने पड़ी? वहीं बन्ना गुप्ता से भी जब ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि आलाकमान का निर्णय है, बीजेपी भी तो अपना जो है प्रत्याशी बदले। तो ये आरोप प्रत्यारोप करते हुए इस सवाल के जवाब को है टालते नजर आई कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस इस मामले पर बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से दीपिका सिंह पांडे को टिकट मिलने के बाद प्रदीप यादव के समर्थक लगातार विरोध कर रहे थे गोटा क्षेत्र में, वहीं एक बार फिर अगर प्रदीप यादव को जहां टिकट मिला है दीपिका सिंह पांडे का टिकट काटकर, तो दीपिका सिंह पांडे का भी विरोध जो है वो देखने को मिलेगा। दीपिका सिंह पांडे ने यहां तक जो बातें है वो कर डाली है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि इसके कई माने लगाए जा रहे, कहा कि जो होता है, उन्होंने दीपिका सिंह पांडे ने कहा कि जो होता है अच्छा होता है और आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा, तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इस लोकसभा चुनाव में प्रदीप यादव को दीपिका सिंह पांडे का कितना साथ मिलता है। जी अंकिता जी, चित्रंजन आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप बने रहिए खबर पे, मैं आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने कई रणनीतियों पर मंथन किया है, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर मंथन किया गया, और इस मौके पर प्रदेश प्रभारी की बात करें तो गुलाम अहमद मीर भी मौजूद रहे, राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। लेकिन एक और मुद्दा कांग्रेस की बात करें तो वो है गरमाया हुआ दीपिका पांडे सिंह को लेकर, क्योंकि बात करें तो दीपिका पांडे सिंह से टिकट वापस लिया गया और प्रदीप यादव का नाम सामने आया। लेकिन इसका विरोध अगर बात करें चतरा से भी विरोध हो रहा है, जब कांग्रेस ने केंद्र पार्टी को टिकट दिया, अनुपमा सिंह जो कि धनबाद से लोकसभा की प्रत्याशी हैं कांग्रेस की ओर से, उनका भी विरोध हो रहा है। तो अभी ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या कांग्रेस इस पर भी कुछ स्टैंड लेती है, क्या उम्मीदवारों के नाम पर फेरबदल हो सकता है या फिर नहीं। तो फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए T45, मुझे दीजिए।